আছে, বহুত আছে, ও হো বারে ডুমরা নরেশ বেঙ্গর ভাইয়া জোড়া বড়ুয়ে সারং কো উপেন্দ্র কো के मनोरंजन बदे ई मास्टर का संकेत बा एगो गीत का कोनो प्रेमी प्रेमिका में अथा प्यार बा अचानक दुराव हो गई। एक बात बताई ला धनंजय भैया, जहां प्यार बा ओहिजे तकरार बा, जेकरा ले प्यारे नहीं खे उ का करत आ का नहीं खे करत ऐसे कोई के मतलब ना रह। अचानक प्रेमिका का दिन धरा गई, प्रेमिका जयमाल पर बिया जे वही अपना दुल्हा के माला डाले चलल, प्रेमी पर नजर पड़ल, प्रेमी दुआ देता जा जहां रही तहां खुश रही हो, आबाद रही हो, चाहे कैमूर रही हो चाहे धनबाद रही हो, डाल दे माला डाल दे का दे खले बाड़ी आशी कहता। अरे जा जाइबू जा जाइबू तजा ए सलम जनी सोचा हमारा बारे में तुहरा खातिर हमारा माइल न रहे, ई प्यार काल परसों चिंता मत कर लेकिन एगो बात याद रखियो, प्यार काल परसों के कोइल न रहे भूला गइलु ऐसे जैसे भइल न रहे। अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी लोकगीत विरह गायक ओम प्रकाश दीवाना जेके रुआ लोगन प्यार दुलार से अपना भाषा में दियोनवा कहिला जा, आप लोगन के बेहद मांग पर पुनः एक मीरस का विरह प्रस्तुत करत बनी वही दीवाना म्यूजिक चैनल से। हम निवेदन करब, निहोरा करब कि हमरा दीवाना म्यूजिक चैनल के सब्सक्राइब करके जल्दी 2 मिलियन करी सके।
एक विशेष सूचना ये बिरहा के माध्यम से देहल चाहतनी। यूट्यूब के जमाने में अभी हाल दिनों से जो मैं देख रहा हूं, बहुत दुख हो रहा है कि हमारे ऑडियंस को बाकी यूट्यूबर दिग्भ्रमित कर रहे हैं, गलत गलत थंबनेल और गलत गलत टाइटल डाल करके। आप लोगों को जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि मैं जो भी नया कांड, जो भी नया बिरहा, कोई भी घटना हो, सिर्फ मैं अपने दीवाना म्यूजिक चैनल पर रिलीज करता हूं। अगर दीवाना म्यूजिक चैनल के अलावे किसी चैनल पे मेरा कोई भी गलत थंबनेल, मेरा फोटो, मेरे नाम से कोई भी बिरहा रिलीज होता है, तो फिर ये आप लोग जरूर जान लीजिएगा कि वो केवल फर्जीवाड़ा है। आपका भाई और आपका बेटा उस चैनल पे बिरहा नहीं गया है। चूंकि आए दिन में जो चल रहा है, दुखित हूं, लोगों का फोन आता है, दीवाना भैया फलाना कांड आपने गाया है, आपके चैनल पे नहीं है, बाहर में थंबनेल कुछ और है और अंदर में गाना कुछ और है। तो इन चीजों से आप लोग बचे। विशेष सूचना है कि जो भी हो, अगर दीवाना म्यूजिक पे हो तो सही है, वरना बिल्कुल गलत है। आइए, चार लाइन भूमिका के अंदर भाव है, देश की गरिमा, देश की अस्मिता, देश का शान, देश का गौरव, देश का अभिमान किससे है, क्यों है, कैसे है। देश को आजादी मिली तो इस आजादी में किनका क्या योगदान रहा, चार लाइन भूमिका के अंदर कवि का भाव है। कैसे जीतन बाबू, जाग जाओ सपूतों, तो यार हंस हंस के खेलो तू खूनों की होली। अरे जुल्म जुल्मी कमिट कर रहेगा दीवाना, कभी सुरेंद्र कलंबर से बारूद गोली। धनंजय भैया, यहां कौनो प्यार में धोखा खाइल दीवाना का फरियाद दुनिया के दीवानों से है। कहता है, क्या कहता है उपेंद्र भैया, आज प्यार में धो शब्द का पहला अक्षर अधूरा बा, प्यार, इश्क, मोहब्बत कुल में आधा आधा बा, तो फिर पूरा कैसे हुई। इसलिए यह दीवाना दुनिया के दीवानों से कहता है कि आज प्यार में धोखा मिलता है, सभी हसीनों से तुम डरना, सुनो दीवानों प्यार न करना। लेकिन देश के दीवानों का देश के दीवानों से कहना था कि अरे वतन दीवानों, वतन
बचालो, तुम्हारा वतन दीवानों वतन बचालो, अरे ये वतन हमारा प्राण से प्यारा, इनकलाबी गूंजे नारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यही जैसे बिरह में जौहरी छंद लगल, कैसे जीतन बाबू पूरा का पूरा सीधे उठा के रही करिया। आओ तो तैयारे करो की देख न जाकत, सागर की लहर पुकारे, हिमगिर से आती हवाए, हिंदवासी को ललकारे, अहिंद कबीर सपूतों, सोनाद्री को खोलो, सरवोर कबन का चादर, जय हिंद की बोली बोलो, बाबू बिरहा का बात समझ ली। बिरहा अंग्रेजी जमाने की है, जब मेरे देश के जर्रे जर्रे में अंग्रेजी हुकूमत विराजमान थी। बताया जाता है अंग्रेज बहुत बुरे थे, बेशक अंग्रेज बुरे थे, लेकिन कुछ अंग्रेज बुरे थे तो कुछ अंग्रेज अच्छे भी थे। अगर अंग्रेज अच्छे नहीं होते तो हमारे देश के दबे कुचले लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। अगर अंग्रेज अच्छे नहीं होते तो हमारे देश से सती प्रथा का खात्मा नहीं होता। अगर अंग्रेज अच्छे नहीं होते तो एक दलित का बेटा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका नहीं मिलता। आइए कहानी कहां कबा के कर बा। उत्तर प्रदेश में जिला झांसी और झांसी के अंतर्गत एक छोट गांव दीनापुर, और दीनापुर का रहे वाला विधवा माई का इकलौता बेटा दिलावर सिंह। माई का परवरिश मजदूरी कई के करत हो। अचानक झांसी का नया कैप्टन अंग्रेज टेलर को बनाकर भेजा गया। अंग्रेज टेलर इतना बड़ा अय्यास था कि उसे प्रतिदिन अपने बेड पे भारत की एक नई बेटी चाहिए। हमारे देश के ही कुछ मुखबिर टाइप के लोग अपनी बहन बेटियों का सौदा करते थे। रात को सोता था, सुबह दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल करके फेंक देता था। कंटिन्यू एक महीना तक यही सिलसिला जारी रहा। इस बात की खबर दिलावर सिंह को लगी है, उतर गया बगावत पर, बना लिया क्रांतिकारियों की टोली, अब नहीं होगा ऐसा। आज उनकर बहिन, काल उनकर बहिन, परसों दिन उनकर बहिन, तो चौथा रोज हमरो बहिन का बारी आई। अंग्रेज जहां जहां कैंप लगाता था बहन बेटियों को बुलाने के लिए, लड़कियों के आने से पहले, मुखबिरों को लड़की लेकर के जाने से पहले, अंग्रेज के कैंप पे हमारे देश के क्रांतिकारी सपूत दिलावर के साथ बमबारी कर देते थे। एक महीना बमबारी करता रहा अंग्रेज से अपनी बहन बेटियों को बचाता रहा, भारत की आबरू की रक्षा करता रहा।
अचानक एक महीना के बाद गौवा में निकलल घूमे खातिर चर्चा है दिलावर दिलावर। दूसरे टोलवा के रहे वाला शिवा तिवारी का बिटिया सोना तिवारी से नयन चार भइल तब प्यार भइल। आ जब प्यार भइल उदय भैया तब प्यार का गाड़ी पटरी पर दौड़े लगल। अच्छा तुम से यही बदे कनी उदय भैया प्यार परवान चढ़ा। एक दिन दिलावर पहुंचा सोना के घर, ऐ सोना मैं जा रहा हूं दो दिन की प्राइवेट मीटिंग पे। मीटिंग खत्म करने के बाद अंग्रेज कैप्टन को जान से मार दूंगा। सोनवा कहलस तू अंग्रेजवा के जान से मरब एकर मतलब हमसे प्यार नहीं करेला। कहे अरे पगली प्यार तो करीला रे तोरे से नहीं तोरा से पहले दूगो और से। कहलस हमसे पहले दूगो और से। कहा सुन घबड़ो मत पहली माई से दूसर की मातृभूमि से तीसर की तू प्रेमिका से। कलस अच्छा प्यार करेला तो कितना प्यार करेला तनी बताई था। कहे सुन कितना प्यार करीला एजा तरज बड़ी रंगीन लगा था उपेंद्र भैया तोहरे लायक। साटा में आइल बानी सटब नजरी हमर हिलाई जब ले जरी मरखारी तोहरा के हम अपन मानी सनम हो जिए मरे के साथे खैली कसम हो। कितना मानीला दिलावर कलल बोला जान कहतिया तू ही हमर जान बड़ अरे तू है परान बड़ देशवा के शान बड़ मोरी अभिमान बड़ सुन। रात दिन खटी पैसा कमाई चंदा साथे शादी तो हसे रचाई
दिलावर कहा रे पगली है मेरी छोटी बहन है यही का बियाह कर ले एकरा बाद तोर मंगिया भर दे कला से रिश्ता ना होई सोना बोली है रिश्ता नहीं होगा दिलावर पूछलस काहे कलस तू कहां सिंह हम कहां तिवारी यही में हमार पूरा देश परेशान बा अगर देश से दो चीज खत्म हो जाए हमारे देश के नागरिक बिल्कुल खुशहाल हो जाएंगे एक जाति और दूसरा धर्म कलस तोहार बाबू सिंह और हमार बाबू तिवारी ई रिश्ता नहीं हो सकेला कलस प्यार कैले है कोई अगर रास्ता में रोड़ा बनी तो हमारे को बात सुन डर जाई आमी लबू ना रानी कुछ कर जाई अरे धोखा जमी दी ना तो मर जाई सोना का बाप शिवा तिवारी सुनत हवन दिलावर कह के चल दिया अपने साथियों के साथ प्राइवेट मीटिंग करने लेकिन शिवा तिवारी पहुंचे झांसी में और अंग्रेज कैप्टन टेलर से मुखबिरी कर दिए ए साहब एक माह से किसी भी लड़की को आप नहीं लूट पाए हैं अपने बेड पे नहीं सुला पाए हैं तो इसका कारण जानते हैं क्या है मेरे गांव का एक सनकी है विधवा माई का बेटा दिलावर सिंह उहे तोहार कुल मंसूबा पर पानी फेरेला ए साहब अब चिंता कैले का कौनो जरूरत ना बा हो चल जाओ करा घरवा विधवा मतारी बा जवान बहिन बा नाम चंदा हो चंदा का तरह खूबसूरत ही उठवाए ला ओकर इज्जतिया लूट लेबो बिना ओके मरले मर जाई अंग्रेज कैप्टन टेलर पांच सिपाहियों को दिलावर के घर भेजा है जब वो पांचों सिपहिया दिलावर का घरवा आइलन तब का भइल मास्टर तरज बदल गई धनंजय भैया बाला बिरजू के बाद ही पहली बार फिर दोबारा बिरहा में धुन गावे जाते हैं आपके द्वारा रिकॉर्ड किया गया बिरहा था ऑडियंस का था प्यार दुलार मिला कौनो आशी कहता अपनी मासुका से हम तुमसे जुदा हो के हम तुमसे जुदा हो के मर जाएंगे रो बाकी अंग्रेजवा दिलावर के घरवा पहुंचलन पांच गो सिपाही करत का हवन कि बबुआ के पता पूछे माई के मारे ले अरे बबुआ के पता पूछे माई के मारे ले अरे जब पता बतवली ना दोनों आँख निसारे ले ए बुढ़िया बता तेरा बेटा कहाँ रहता है नहीं मालूम आवारा है कोड़ा बरसाने लगे बता तेरा बेटा कहाँ रहता है नहीं मालूम पागल है
बंदूक के बेंट से मारने लगे, बता तेरा बेटा कहाँ रहता है? नहीं मालूम, मैंने कहा ना लफुआ है। अपने बेटवा का बचाव करती है माई, नहीं माने अंग्रेज। गुस्सा में लाल एक अंग्रेज निकाला चाकू और माई का दोनों अखिया निकाल के अंगनवा में नचावे लगल। और जब अंगनवा में नचावे लगल हो बाबू, चीखती हुई चंदा घर में छुपी हुई थी, भाग करके माँ के पास आती है, रोने लगी। जब रोने लगी तो कभी लिखता हूं, अरे जब चीख पड़ी ममता रोवती आईली चंदा, चंदा रो रही थी। पकड़ लिए अंग्रेज उस जवान बिटिया को, कैलन का हवसी बहसी भेड़िया मिल कपड़ा फारे ले। भैया बीचे अंगनवा बहनिया का कपड़वा नोच दहलन, अर्ध नग्न अवस्था में वह चंदा पड़ी हुई है, ऊपर का कपड़ा और नीचे का कपड़ा बा। एक अंग्रेज बोला लूट लेते हैं इस बुढ़िया के सामने। रोने लगी माँ बुढ़िया, नहीं बेटा मेरी बेटी का क्या कसूर है? दूसरे साथी ने कहा नहीं ले चलते हैं, यह लड़की साहब का शिकार है। दरवाजे से बाहर निकले, आवाज लगा रहे हैं, ऐ बुढ़िया सुना है तूने शेर बेटा पाला है रे? तेरा बेटा बता देना कैप्टन टेलर के 5 सिपाही आए थे, तेरी बेटी को उठा कर लेकर गए। अगर वाकई तूने अपने स्तन का दूध अपने बच्चे को पिलाया है तो तेरे बेटे का इंतजार हमारे साहब करेंगे, आकर के तेरा बेटा तेरी बेटी की आबरू बचा लेगा। माई रोवत रह गई। अंग्रेज उस बच्ची को लेकर के चले गए कैप्टन टेलर के कैंप में। 2 दिन की प्राइवेट मीटिंग खत्म करके जब दिलावर घर पे आया है, घरवा का अंदरवा घुसल, माई का हालत देखत बा, आंखिया निकलल बा, खून से चेहरवा करिया भइल बा। अंग्रेजन के डर से कोई वो माई के बचावे खातिर ना आइल, कोई माई का इलाज करावे खातिर ना आइल। माई से पूछा था, माई ये हालत के कैल रे? वहां बुढ़िया माँ रोने लगी, बेटा तू घर से बाहर गया ना, कुछ देर बाद 5 अंग्रेजी सिपाही आए थे, तुम्हारा पता पूछ रहे थे, मैंने नहीं बताया, तेरी बहन चंदा को उठाकर लेकर चले गए। एक बात सुनेगा, आज तक ये तुम्हारी माँ तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं मांगूंगी। तूने मेरे स्तन का दूध पिया है ना, तूने मेरे स्तन का दूध पिया है ना बेटा, आज इस दूध का कर्ज अदा कर दे, जाओ जाओ अपनी बहन को बचा करके अपनी माँ की झोली में डाल दे बेटा, अपनी माँ के आंचल में डाल दे, है ना तू मेरा लाल, है ना तू मेरा जिगर का टुकड़ा। माई का बतिया मानो दिलावर के तन बदन में आग लगा दहलस, जवान चला है तरज बदल गई जीतल। कि अरे पिया मारा देसिया ताना भावा गाना, अरे कभी रही बनल बसे जारी, अरे पूरी उड़ी उड़ी जाले आचरिया। बहुत
से क्रॉस करत हो। आगे से वही पुलिया पर पांच अंग्रेजी सिपाही क्रॉस करत रहलन। सोच गया दिलावर कहीं ना कहीं साले हमें खोजने निकले हैं। कैलस का अरे भाईल मुट भेड़ मिले गोरा फिरंगी, अरे तवल लहू में लाल किया लाल रड़ रंग। मामा लोग लौट गए ले छतिया पर पैरवा रखत बढ़ल झांसी के तरफ। घूम घूम खोजत बा आखिर हमार बहिनिया मिली कहाँ। अचानक एक कैंप देखा है, कैंप के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का झंडा फहरा रहा था। दुरिया ले सुना था कहीं यही में हमार बहिनिया तनाबा। अचानक अंग्रेज कैप्टन टेलर दो दिन का इंतजार करने के बाद पहुंचा है उस बहन के पास, चंदा के पास, और चंदा का जवन कपड़वा बचल हो ओके उतारल चाहत हो। हाँ चोरली चंदा, कला साहब तुहे जवन करे के तवन कह लिया, लेकिन पहले हमारे को बात सुन ला। का सुनावे? तरज बदल गई। माई बहन लोग गावेली कि झांझर मड़ुआ जन छवई हाए बाबा हो कि लागे शुरू जावा के जो तू हो। बड़ी बड़ी एकर लड़ी बा, बड़ा निक लगेला जब मतारी बहन लोग आवेली। लेकिन चंदा रो के एगो बात अंग्रेज से कहे, कहे रोई रोई चंदा बोले टेलर के समानवा हो करमा साहब। वही भैया को भाई नहीं हो साहब, जाना माई के तन से हमार भैया जन्म ले ले बना, वही माई के तन से हमहू जन्म ले ले बनी। ए साहब तू बदला चुकावल चाहत रह भैया का, बदला चुकावल चाहत रह तो ला सुना हो। अरे भाई के बदला यदि हमसे चुकई बता, भाई के बदला यदि हमसे चुकई बता, हमारा के गोली से दामार हो। गरीब का इज्जत टिकाऊ होला, बिकाऊ ना होला। गोली मार दम मरल कबूल कह ले, लेकिन तोहरा हाथे लुटाइब ना। यह बतिया दूरे से भाईवा सुनलस, जहवे से सुनलस तहे से आवाज लगावत दौड़ल। का आवाज लगावे? टेरी के शैली में भावा कि अरे गोली से भले ही सीना छेद होई,
तो गोर को आंख देखबू ठाल तोहरो डोली ललकार कर दिलावर बोला मेरे टुकड़ों पर पलती है क्यों हमसे चाल तू चलती है ए नमक हराम गोरी दुल्हन गिरगिट सा रंग बदलती है कुछ याद करो कुछ शर्म करो कुछ याद करो कुछ शर्म करो जब बन भिखारन आई थी जब पूछ नहीं थी कहीं तेरी कदमों में सीस झुकाई थी सुन तू फिर वही पे जाएगी खुद कर्मों पे पछताएगी तोर जवन औकात रहे वही औकात पर लिया के ना खड़ा कर देने तो हमरो दिलावर नाम नहीं दिलावर कहता है तू फिर वही पे जाएगी खुद कर्मों पे पछताएगी अब पतन तुम्हारी मंजिल है बोली की गोली खाएगी ए भैया दिलावर ललकारता हुआ चला मरलस एड़वा से समियनवा फाट गई कुर्तवा उतार के बहनिया को बदनिया ढका था तबले अंग्रेज आदेश कर दिया मार दो साले को छूट दे दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगी जब दोनों तरफ से गोलीबारी हो तो ओनी टाइम का गोलीबारी कैसन होता कवि जी बड़ी पुरान गीत लिख दलन जीतन हमारा जन्म से पहले का आज दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के दीवानों का है वो क्या जानेंगे तिरंगे का सम्मान जिनका झंडा तिरंगे झंडा से ऊपर लहराता है कहना है वतन हमारा प्राण से प्यारा नहीं हथेली पे रख लिया आए बाबू बारी बारी से अंग्रेजों को मार गिरा जा कुछ अंग्रेज कैप्टन टेलर के लेके भाग चलन अच्छा भागना भी एक कला है भागना भी एक कला है कुछ लड़वैया भागे ना जब लड़वैया तनी जबरदस्त मिल जाले तो देखले हुई बाया काढ़ा में जब एगो बढ़िया पहलवान दाव लगावे लगी
तो दूसर का भागी वही तर कुछ लड़वैया भागेला कुछ लड़वैया भागेला आय अगर तनिका दबेर के गावे वाला मिल जाए तो कुछ गवैया भी भागेला भाग निकला कैप्टन टेलर बहन को बचा करके दिलावर घर की तरफ चला है गौवा को करीबवा जो वही पहुंचल देखलस कि गांव से 12 गो बुजुर्ग कंधा पर लाश लेके आवतरन जिंदगी में पहली बार दिलावर देखा है जब से होश संभाला है ऐसे पहले गांव से कोई कभी घर से जनाजा निकले तो गांव को बूढ़ बच्चा जवान औरत बूढ़ी सब कोई निकले पहली बार 12 गो बुजुर्ग लेके एगो लाश आवतरन करीब आए दिलावर के दिलावर रो रहा है पूछ रहा है बाबू ए बाबू इके करी माई कलाश बा इके करी भाई कलाश बा केकर भौजाई कलाश बा तू लोग बोलत काहे नहीं खा हमसे नाराज बाड़ो एक बुजुर्ग ने आवाज लगाया नहीं रे बेटा हम लोग तुमसे नाराज नहीं है रे तुमसे नाराज तुम्हारी माँ हो गई है नाराज होकर के तुम्हारा रास्ता देखते देखते तुमसे बहुत दूर जा रही है दिलावर को सोचते देर नहीं लगी कि माई इंतजार करत करत दम थोड़ दहलस दवा दारू का भाव में कंधे पे लाश रखा है रोता हुआ चला माई तोरे मरला का गम नहीं बा बस दुख ये बात का बा कि फिर हमारी बहनिया के कोई उठाई तो हम के कसम के धराई लेकर के शमशान घाट पे पहुंचा है सब कुछ करने के बाद मुखाग्नि देने के लिए परिक्रमा कर रहा था 3-4 चक्र लगाया होगा तब तक से बहन चंदा ने आवाज लगाया भैया भाग भैया भाग भैया भाग दिलावर कलश का है रे बहनी हम इतना ना लायक भाई है कमाई कचिता में आग लगावेला भाई ना ही कारे बहन बोली नहीं रे भैया तोरा जैसन भाई हर माई के गोद में जन्म ला लेकिन पीछे देख अंग्रेज तुम्हारी पीछा करते हुए आ रहे हैं भैया आज बच जा अगर आज बच जाएगा तो ऐसन कई गो माई का चिता में आग लगले से बच जाए भैया भैया भाग जा दिलावर बोला मैं तो भाग जाऊंगा लेकिन माई का अंतिम संस्कार के करी बहनिया एक बात बतावे सुन भैया तरज बदल गए बढ़ जा और बढ़ो थोड़ा और कौन आशिक मासुका से बेपनाह प्यार कर रहा है लेकिन वो बेवकूफ समझे आशिक बताता है मासुका को कहे अरे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का यार नहीं लूट लिया घर यार का लेकिन तो चंदा बोली अरे भागो नदी में दिलावर नदी के रास्ते कहां जा रहा है कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए इधर शमशान घाट के वो अंग्रेजवा घेरवा लेलन जब वो अंग्रेजवा घेरवा लेलन तब भइल का तवला कोरा फिरंगियन क्या सन के लगोलिया आंख खेला समसनवा पखुनावा के होली गोली बरसाने लगे गोरा अंग्रेज 12 बुजुर्गों को मार गिराए मां की लाश अलग 12 बुजुर्गों की लाश अलग पकड़ लिया जाकर के अंग्रेज जवान चंदा को बोल अब तुम्हारी इज्जत कौन बचाता है
कलर साहब भारत की बाला हूं, चाहूंगी तो लूटूंगी और नहीं चाहूंगी तो आप छू भी नहीं पाएंगे। क्या बात करता है तुम उसे अपना जान बचाता है। कलश हां साहब बचा लूंगी, अभी भी वक्त है। कलश कैसे बचाओगे? अंग्रेजवा का कमरिया में कटार लटका था, कटरिया खींच लस आ खींच के कैलस का कि तवल सीने में उतारी है कटार चंदा, अरे सीने में उतारी है कटार चंदा, करगी मारी कसम से कटार चंदा। लेखे अंग्रेज का कटरिया मरलस अपने सिनेमा में, जहर से बुझाई गई कटार जब खून को पाई है, तड़फड़ा करके भारत की बेटी दम तोड़ देती है। अंग्रेज मुहा फाड़ के कहा, ओ माय गॉड, ये तो अपना जान खुद से ले लेता हा। सारे भारत का रोटी खाई ला, लेकिन हिंदी बोले न आई। लड़की की लाश पड़ी हुई है, यहाँ का बात यही छोड़ दा। अंग्रेज 14 लाश शमशान घाट पे छोड़ करके वापस निकल लेते हैं। दिलावर कहां पहुंचा जरा ई सुने, आला लगा। धनंजय भैया पुरनिया दादा बाबा लोगन का कहल कहावत बा कि अरे तार पर से गिरा ले, अरे तार पर से गिरा ले रही थी। शाम का पहर अचानक सोना की नजर पड़ी दिलावर पे, क्या देखती है? अरे तक खूनवा में सनलबा ओई दिलावर के बदानावा पंचो सोचे ले सोना कैसे होई उपचार। सोनावा टुकुर टुकुर मुंह निहारत है, तबले दिलावर बोला, ए सोना पिताजी से बोल करके वैद बुलवा दो, मैं बहुत चोटिल हूं और अंग्रेजी सेना पीछा करते हुए यहां तक न आ जा, हमें बचा लो। ये तानवा कहत कहत दिलावर का हालत का भइल कितना वाले यतन में भइल बा, यतन में भइल बा, तब दिलावर से रवा कि घरवा में बाबू के सुनावे समाचार। सोना दो गलती कर गई, एक गलती की जमुना द्वार में छिपावत है दिलावर के, वो द्वार का दरवाजा नहीं बंद कैलस। दूसरी गलती चलल ओह बाबू के खबर देवे, जवन बाबू खुद ओ दिलावर के पकड़वावे को मुखबिरी करत हुए पहुंची है तो कि अरे ये कवर बेहोश बाटे, अरे ये कवर बेहोश बाटे, अरे देश के पहरुआ पंचो। सोना को कहां पता है, पहुंची पिता के पास शाम का पहर बा, घरवा कंदरवा माई बाबू दोनों लोग एक जगह हुवन। कलश बाबूजी
दिलावर आया है मेरा आशिक, जिसे मैंने पति मान लिया है। अंग्रेज मार मार के घायल कर दिए हैं, जाकर के वैद्य बुला लीजिए, बचा लीजिए मेरे दिलावर को पिताजी। कहा शिवा तिवारी क्या बोले, दिलावर? और बहुत बढ़िया, चल जाके दिलावर को पानी का छींटा उठा मार के होश मिला, मैं जा रहा हूं वैद्य बुलाने। यही कह करके सोना को लौटा दिए बाप। सोनवा घर का आखिरी दहलीज पर कदम रखत भी तबले शिवा तिवारी अपनी दुल्हन से कलन सोना कमाई से सुना तरु। दिलावरवा क्रांतिकारी हो, हमरी बिटिया से मोहब्बत करेला, शादी कैल चाहेला, हाँ ना चाहेला कि एकर विवाह हमरी बिटिया से होके, काहे से कि एकर जाति अलग बा हमार जाति अलग बा। सोना कमाई कलस देखी जे प्यार करेला, जाति पाति ना देखेला। जात पात का होला, बचा ली देश का सेवा करेला क्रांतिकारी अकाना। जानती हो मैंने ही मुखबिरी करके दिलावर की मां का आंख निकलवा लिया, मैंने ही मुखबिरी करके दिलावर की बहन का अपहरण करवा लिया। जातने अंग्रेजन से बताई, एके पकड़वाई, पकड़वाई तो जानत लू पकड़वाला के बदला में का मिली, 25,000 रुपया इनाम। और वही 25,000 रुपया इनामों में अपनी बिटिया का शादी दूसरे जगह कह दे और ई पकड़ा जाई, हमार काम बन जाई, गैर बिरादर में बियाह ना करे के पड़ी। इहे बतिया सोना तिवारी सुनत ही कहलस तू निकलत पहले। सोना का बाप वहां से निकला, सोनवा दौड़ल दूसरा घरवा में, खूंटी पर बंदूक टांगल है, आय के समनवा खड़ा हो गए, सिनवा पर बंदूकिया का नलिया सटा दलस। सोना का हाथ में बंदूक हो, अपने सीना पर देखलन शिवा तिवारी लगना गन 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 कहाँ पे कलन बेटी तू 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 चुप रहा मार दवा कहीं का। कबो कबो बात मुसाफिर पर्दे में हो जाए के चाहिए। धोती गीला कलन बेटी तू हमरे सीना पर बंदूक कहे तनले है। सोनमा बतावे खड़ी लगल कहे कहे भैला भले आज हमारा हाथ है, विधवा बनी माई, माई के मंगिया धोवा जाई भले, लेकिन तोहके मारब। सोना का माई आगे कहे लगल का कलू बेटा तू हमके विधवा बनेबू? कलस नहीं रे माई, तू बड़ा दुख में लगत है, दुनलिया है, दोनों नलिया में दू गो गोली बा, एगो गोलिया तोरा के मारब, एगो गोलिया बाबू के मारब, दोनों जना के विधवा बनाई। कहलस बचिया तू हमार बात ना समझ पौली, कहले का मतलब ही नहीं बा। अरे पगली है मंगिया में सिनुरा बा, अपना बाबू के मार देवी तो लोग कहन की एगो बेटी अपना माई का मांग धो देहलस, ऐसा ना हो खे दे। गोली मरी है लेकिन ऐसा कायर पति का पत्नी कहलैला ले बढ़िया बा कि तोरा गोलिया चलावे से पहले हम खुद एकर नाम का सिंदूर मिटा दे। ले पोछ दी हली, हम मार तोरा पर कौनो कलंक ना लागी, तबले सोनवा कैलस का कि अरे तरह तरह सेरनी हो गोलिया चलाई। मारलस ठा ठाए दू गोली, बाबू भर मुहे माटी ले लेलन, दिलावर का बेहोशी टूटल भागल आइल कलस है सोना,
ये क्या मजाक है, तूने अपने बाप को गोली मारा? कलश हाँ मजाक तो लगते बा, अरे हम मार देनी बाबू के गोली तो तू बचल हुआ, नहीं तो हमार बाबू मुखबीर हो, मुखबीरी कही के तोहरी माई के पकड़वा दलन, तोहरी बहन का अपहरण करवैलन, अगर इनके गोली ना मरले होती ए दिलावर ए राजा, तो फिर तू हूँ अबले अंग्रेजन का जेल का हवा खैता। दिलावर बोला तब तो तू बड़ा बढ़िया कह दिली सोना, कल जब हम बढ़िया कह देनी तो तू हम बढ़िया कह दे राजा, कहे मतलब कल से न ए ए तू 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 इशारा कर थी मांग में सिंदूर भरे का, माई कलश बचवा शर्मा थी मांग में सिंदूर भर द, ई तोहरे नाम का सिंदूर सजाई, बाप के मार दहलस तोहरी बारात का सेवा के करी, भर दो मांग खून के कतरे से मांग भरा है कलश ए सासू अम्मा, बियाह तो क लेनी लेकिन एकरा आगे वाला अब कौनो काम न हुई। काहे बेटा? अरे बाहर उदई सासू अम्मा। अरे सोनमा को मम्मी कलश दिलावर के हुई जा। अच्छा दिलावर बोला ए मम्मी धर्म का मतारी हो गई लू, जवन दुश्मन हमारा माई का जान ले ललस, पता नहीं बहिन का साथ है का खेले हुई, वो दुश्मन जिंदा बात हम कैसे सुहाग रात मनाई, जाओ कनी जब ले वो के मारब ना तब ले चैन कनी ना सुतब, सुनवा कलश है तोहार सपना हमार सपना हमार सपना, एगो पिस्टल हमें भी दो, दोनों पति पत्नी पिस्टल लेकर के चले तो मार पिता को सोना शेरनी चली दिलावर संग में, तैयार है जहां वा पटेल हूं मैं ना सवा के रंग में, टेलर नशे में धूत था पूरी बटालियन के साथ जश्न मना रहा था, पहुंचे दोनों पति पत्नी और नशे में धूत टेलर के कनपटी पे पिस्टल भिड़ाए, और जब पिस्टल भिड़ौलत तब विरह के आखिरी भाव में परिचय है, बुद्ध छत्रपति साहू फूले पेरियार का देश, बाबा साहब ललई यादव देख के गए संदेश, गोली से भला ही सीन